हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आप सभी का स्वागत है। मैं भी कुमार, आज आपको मैंने जो अपने टेलीग्राम चैनल पे ये देख सकते हैं, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। आप सिंपली ट्रेडिंग किंग विवेक डॉट सर्च करेंगे तो ये मेरा चैनल आपको मिल जाएगा और वहां से आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि पब्लिक चैनल है। ठीक है, तो इस पर मैंने कुछ स्टॉक्स दिया हुआ था और मैं आज उन स्टॉक्स का रिकमेंडेशन जो मैंने दिया था, ये एजुकेशनल पर्पज से भले ही था, बट मैं आपको बताऊंगा कि वो उन स्टॉक्स ने किस तरह से परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, और मैं सारे जो भी मैंने टोटल 4, 5, 6, 7 और इधर 3, 10 स्टॉक्स मैंने दिए हैं, मैं 100 स्टॉक्स का मैं आपको टोटल एनालिसिस करके बताने वाला हूँ कि ये स्टॉक्स किस तरह से परफॉर्म किया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं मैंने पिडिलाइट इंडस्ट्रीज दिया हुआ है, जिसमें मैंने 2240 पे मैंने बाई करने के लिए बोला था और स्टॉप लॉस इसका 2180 था। फर्स्ट टारगेट 2347, सेकंड टारगेट 2440 एंड थर्ड टारगेट 2500 रुपये का था। तो चलिए पिडिलाइट के चार्ट पे हम लोग सीधा चलते हैं। ये रहा पिडिलाइट का चार्ट। ठीक है, तो ये अभी देख सकते हैं जो करंट पिडिलाइट का रेट चल रहा है। ओके, ये देख सकते हैं मैंने ट्रेंड लाइन वगैरह सब कुछ बनाया हुआ प्रॉपरली। तो फर्स्ट टारगेट जो है 2345 रुपये का, इसने हाई कितना लगाया है 2340 रुपये और मैंने इसके फर्स्ट टारगेट कितना दिया 2347, यानी कि ऑलमोस्ट ये फर्स्ट टारगेट हिट कर चुका है। एंड मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ये सेकेंड एंड थर्ड टारगेट भी बहुत जल्द हिट करेगा पिडिलाइट, और आपको काफ़ी अच्छा ये पिडिलाइट आगे दिख सकता है। बट अगेन मैं बोलना चाहूँगा कि जिन लोगों ने ऑलरेडी इस स्टॉक में एंट्री बना ली है मेरे बताए हुए लेवल पे, तो उन लोगों के लिए ठीक है, वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले। बट जिन लोगों ने अभी तक एंट्री नहीं बनाई है तो वो फिलहाल अवॉइड करें। अगर यहाँ पे ये रिट्रेस करता है दोबारा, जैसे इस पॉइंट पे आप देख रहे हैं 2340, ठीक है, तो मैं फिबोनाची से आपको दिखा देता हूँ कितना रिट्रेस करने पर आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। ओके, अगर ये 2273 या फिर 2290 तक रिट्रेस करता है, यानी कि इस लेवल पे आपको मिलता है, तो आप डेफिनेटली इसमें अपनी नई एंट्री बना सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो आपका ये कैंडल का लो रहेगा, ये देख रहे हैं ये ग्रीन कैंडल, इसका लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एंड स्टॉप लॉस के साथ आप इसके नेक्स्ट टारगेट के लिए आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपने देखा ये फर्स्ट टारगेट हिट कर चुका है पिडिलाइट इंडस्ट्री में। सेकंड हम बात करें मैरिको की, मैरिको मैंने दिया था 535 पे, स्टॉप लॉस है 524 का एंड टारगेट है 543-565। मैरिको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, तो मैरिको मैंने जिस दिन दिया था उस दिन से देख लेते हैं कुछ ही अपसाइड का मूव दिखाया, यानी 535 पे मैंने बाइंग करने के लिए बोला था और ये मैंने थर्ड दिसंबर को दिया था। ठीक है, तो मैं 3 दिसंबर को देख लेता हूँ। उसके बाद ये मैरिको कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया अभी तक, बट हाँ ये चांसेस हैं कि ये अभी अपने सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। ठीक है, अगर यहाँ से नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये बुलिश कैंडल यहाँ पे कोई आपको एक मिलता है और वॉल्यूम के साथ मिलता है, तो डेफिनेटली आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो मैंने पुराना दिया वही स्टॉप लॉस रहेगा और इसमें काफ़ी अच्छा ये चार्ट पे दिख रहा है, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दिख सकता है मैरिको में। थर्ड स्टॉक की बात करें तो वो है आपका MCX, जो मैंने 1642 पे दिया था, SL 1590 रुपये का था। तो MCX में हम लोग चलते हैं। MCX का जो मेरा फर्स्ट टारगेट था वो 1718, सेकंड टारगेट 1800 रुपये का था। तो MCX में देख सकते हैं ये मैंने यहाँ पे 3 दिसंबर को इस पॉइंट पे मैंने बाइंग के लिए बोला था, सॉरी इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इस पॉइंट के बाद थोड़ा सा रिट्रेस किया स्टॉक, रिट्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं स्टॉक में जो हाई अभी करंट लगा दिया वो 1779 रुपये का हाई लगा चुकी है, यानी कि MCX ऑलरेडी अपना सेकंड टारगेट अचीव कर चुकी है। ऑलमोस्ट 1800 का मैंने टारगेट दिया और यहाँ पे जो हाई लगा है वो 1779 रुपये का हाई लग चुका है, ऑलमोस्ट 1780 रुपये का। और ये देखा जाए तो एक रिट्रेसमेंट है सिर्फ। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ फिबोनाची से। ओके, ये देख सकते हैं ये सिंपल एक रिट्रेसमेंट हुआ है और यहाँ से रिट्रेस होने के बाद मैक्सिमम चांसेस हैं कि जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा यहाँ से ये पुल बैक लेगा और पुल बैक लेने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनते हुए ये अपना सेकंड टारगेट एंड थर्ड टारगेट को भी बहुत जल्दी अचीव करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर स्टॉक्स की बात करें तो MCX के बाद मैंने दिया था अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट का जो मैंने बाइंग लेवल दिया था वो 740 रुपये था। SL 695 का मैंने बोला था और एक टारगेट मैंने सिंगल दिया था 765 रुपये का, यानी 25 रुपये का टारगेट था। तो अडानी पोर्ट में हम लोग देख लेते हैं, आप देख सकते हैं कि 2 तारीख के बाद ये रिट्रेस हुआ ही नहीं। ये यहाँ पे मैंने इस लेवल पे बाइंग करने के लिए बोला था 3 तारीख को। ठीक है, 3 तारीख को बाइंग करने के बाद अभी देख सकते हैं अडानी पोर्ट्स में जो हाई लगाया था वो लगाया था 794 का, यानी कि ऑलमोस्ट 800 रुपीज का हाई लगाया था। ये फर्स्ट टारगेट काफी इजी तरीके से ये अचीव कर चुका है अडानी पोर्ट्स। तो आई होप अडानी पोर्ट्स में भी अगर आप मेरे ट्रेडिंग व्यू
ट्रेडिंग किंग विवेक वाले चैनल पे जुड़े हुए टेलीग्राम पे, तो आपको इसमें काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। एक मेरा स्टॉक था परसिस्टेंट, जो एज पर एक्सपेक्टेशन काम नहीं किया है, और ये अभी फिलहाल इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। यहाँ पे मैंने दिया था परसिस्टेंट को 3 दिसंबर को, जिसके बाद ये कंटिन्यू फॉल हुआ, लेकिन अभी ये काफी अच्छा दिख रहा है। और इसमें एक लेवल है ये 4440, अगर इस लेवल को ये क्रॉस करता है, क्योंकि देख सकते हैं इस लेवल पे ये 3 बार जाके रेजिस्टेंस लेके फिर वापस गिरा है, तो अगर जैसे ही 4440 का लेवल क्रॉस करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैंने 4440 पे बाइंग का लेवल दिया था, ठीक है, जो कि ये हिट ही नहीं किया है, ठीक है, देख सकते हैं 4434, यानी कि 40 के ऊपर ये गया नहीं था, यानी कि ये स्टॉक अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। अगर इस लेवल को ये क्रॉस करता है परसिस्टेंट, तो इस स्टॉक में आप अपनी एंट्री बना सकते हैं और काफी अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। बट वहीं पे अगर ये दोबारा यहाँ से रिटर्न होता है, तो फिर आप इसमें एंट्री नहीं बनानी है आपको। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि ये 3 बार ऑलरेडी यहाँ से रेजिस्टेंस ले चुका है, तो 4th बार ये इस लेवल को ये क्रॉस करना चाहिए। और नीचे आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी काफी अच्छा है इसमें, ठीक है, तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये इस लेवल को ब्रेक करे 4440 के, और 4440 जैसे ही ब्रेक करता है, आप इमीडिएट इसमें एंट्री बना सकते हैं, काफी अच्छा आपको प्रॉफिट इसमें देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर बात करें तो मैंने डाबर दिया था, डाबर मैंने 578 पे बाइंग कराई थी, जिसका टारगेट 600 रुपए का था। तो डाबर क्या है कि अभी कंसोलिडेट कर रहा है, एंड डाबर में आप अपनी नजर बनाए रख सकते हैं, ठीक है। डाबर आपको अभी भी मुझे लग रहा है कि ये 600 का लेवल क्रॉस करेगा, और 600 का लेवल क्रॉस करते ही ये काफी अच्छा रिटर्न आपको देगा, तो इसलिए डाबर में अपनी नजर बनाए रखें। स्टॉक अभी उतना एक्टिवेट प्रॉपरली हुआ नहीं है, और इसमें काफी अच्छे चांसेस हैं कि ये आपको काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है, ठीक है, तो स्टॉक इस डाबर पे आपको अपनी नजर बनाए रखनी है। उसके बाद मैंने विप्रो दिया था 650 पे, और टारगेट था 674 का फर्स्ट। तो चलिए मैं विप्रो भी देख लेते हैं। विप्रो ये मैं विप्रो को ऐड कर लेता हूँ, ओके, ठीक है। विप्रो को मैंने 3 दिसंबर को दिया था, मैंने 655 बाइंग के लिए बोला था। उसके बाद ये स्टॉक यहाँ पे आई थिंक स्टॉप लॉस हिट कर चुका है 623, मैंने स्टॉप लॉस कितना दिया है यहाँ पे 629, बिल्कुल स्टॉप लॉस हिट कर चुका है विप्रो। बट अभी भी ये काफ़ी अच्छा पैटर्न दिख रहा है, एक बार स्टॉप लॉस हिट किया है, बट इसमें चांसेस हैं कि ये काफ़ी हाई बना सकता है। फिलहाल के लिए ये छोटा सा डबल टॉप पैटर्न टाइप का लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अगर ये 640 के लेवल को ब्रीच करता है, एक बार बताता हूँ लेवल आपको एग्जैक्टली 654, तो अभी आपको इसमें एंट्री नहीं बनानी है। 654 का लेवल अगर ब्रीच करे तो ही आपको एंट्री बनानी है इसमें, तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट विप्रो में भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे मैंने फिर लेटेस्ट 8 दिसंबर के लिए कुछ स्टॉक दिया था, जिसमें कमिंस इंडिया था, डालमिया भारत था, टोरेंट पावर था। ये तीनों स्टॉक देख लेते हैं। तो कमिंस इंडिया जो मैंने दिया था 940 पे बाइंग के लिए दिया था, एसएल 914 रुपए का था। तो कमिंस इंडिया यहाँ पे अगर आप देखें, और इसका फर्स्ट टारगेट क्या था, तो 973 इसका फर्स्ट टारगेट था। आप देख सकते हैं ये फर्स्ट टारगेट इजिली हिट कर चुका है, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। और फर्स्ट टारगेट हिट करने के बाद अगर आप देख सकते हैं, इसने जो हाई लगाया है वो ऑलमोस्ट 995 रुपीज़ का हाई लगाया है, जो कि सेकेंड टारगेट इसमें मैंने दिया था 1030 का, तो ये सेकेंड टारगेट के बहुत करीब है। हाँ, ये यहाँ से रिटर्न जरूर आया है, बट हाँ ये हो सकता है कि रिट्रेस होके आपका फर्स्ट टारगेट भी बहुत ईजिली ये हिट करा दे। तो कमिंस इंडिया पे भी आपको ध्यान रखना है, मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, वॉल्यूम के साथ स्टॉक चल रहा है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि EMA का क्रॉसओवर है, ठीक है, यानी कि 50 EMA और 200 EMA का भी काफ़ी अच्छा क्रॉसओवर देखने को मिला है, तो इसलिए ये स्टॉक आपको हो सकता है कि 1030 के ऊपर भी जा सकता है। बट इसमें आपको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देखना है कि ये 973 या 975 के ऊपर अगर निकलता है, तो ही आपको इसमें बाइंग फ्रेश एंट्री लेनी है, अदरवाइज आपको इसमें कोई फ्रेश एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये स्टॉक्स थे। इसके अलावा देखते हैं डालमिया भारत, 1857 पे मैंने दिया था। तो डालमिया भारत 1857 पे देने के बाद मेरा जो टारगेट था इसमें वो था 2020 फर्स्ट टारगेट। तो लेट्स चेक इट आउट, डालमिया भारत में क्या स्टेटस बना। 1943 का इसमें हाई लगा है डालमिया भारत में, यानी कि ऑलमोस्ट कुछ 30-40 पॉइंट से टारगेट मिस हुआ है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए, अगर आपने 1857 पे बाइंग की होगी, तो आपको ऑलमोस्ट इसमें 1957 हाई जो लगा है वो लगा है 1943, यानी 90 पॉइंट के आसपास आपको इसमें प्रॉफिट मिला है, और इसमें अभी आपको प्रॉफिट
अच्छा खासा मिलेगा डालमिया भारत में, क्योंकि ये काफी अच्छा स्टॉक है। 2020 तो ये इजीली अचीव करेगा, क्योंकि ये देख सकते हैं ये जो जोन है बिल्कुल इस जोन के ऊपर ही कैंडल क्लोज है, ऐसा नहीं है कि इसने जोन को ब्रेक किया है। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हैं इसको, काफी अच्छा ये रिस्पॉन्स आपको दे सकता है। उसके अलावा अगर स्टॉक्स की बात करें तो एक टोरेंट पावर था जो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ, 580 मैंने बाइंग के लिए दिया हुआ है टोरेंट पावर को। एंड टोरेंट पावर लेट्स चेक, वो चेक कर लेते हैं टोरेंट पावर ठीक है, ये मैं ऐड कर लेता हूँ यहाँ से 579। तो इसमें काफी अच्छा मोमेंटम दिख सकता है आपको, ठीक है। तो इस स्टॉक को भी ध्यान में रखिएगा, ये हैमर टाइप का पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है बिल्कुल। तो ये स्टॉक आपको काफी अच्छा दिखेगा। अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करूँ तो एक बार देख लेता हूँ रिट्रेसमेंट लेवल क्या है इसका। परफेक्ट, ये देख सकते हैं 0.618 के लेवल से इसने बाउंस बैक किया है। तो टोरेंट पावर में आप अब नजर बनाए रखिएगा, टोरेंट पावर काफी अच्छा मुझे देखने में लग रहा है और ये काफी अच्छा प्रॉफिट भी आपको दे सकता है, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, रेजिस्टेंस के ऊपर है बिल्कुल। टोरेंट पावर में आप नजर बना सकते हैं, 580 के ऊपर आप इसे बाय करके चल सकते हैं। अगेन ये सारे जो स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ सारे एजुकेशनल पर्पज के लिए, तो इसलिए अपना खुद का आप एनालिसिस करके ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें, ना कि आप मेरे बताए अनुसार आप इसमें डायरेक्ट बाई सेल करें। मेरा बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।